जी एक बार बताना आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं। तो एक बार जल्दी बताओ आवाज क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे आपकी आगामी परीक्षा की करवाई जा रही है तैयारी। ठीक है, तो एक बार सारे लोग जल्दी से जुड़ जाए और अड्डा 24/7 के साथ, ठीक है, सिलेक्शन अभियान जो है वो चालू हो चुका है। इसमें आपको डबल वैलिडिटी और फ्लैट 77% ऑफर मिल रहा है, और ये आपको मिल रहा है Y794 कोड यूज करने के बाद। ठीक है, इसके लिए आपको अड्डा के ऐप पे जाना है, ठीक है, और कोई भी कोर्स चूज करेंगे तो आपको Y794 कोड यूज करना है। आपको मिलेगा 77% फ्लैट डिस्काउंट, साथ ही साथ 2 साल की वैलिडिटी। इसी के साथ आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली। ठीक है, तो साइलेंट वैली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि आपका वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ती है, पश्चिमी घाट की तरफ पड़ती है, ये कौन से राज्य में आती है? गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये हमारा कब आएगा वैकेंसी टी, जल्द ही अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कैरल। ठीक है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जिसको 1847 में एक बॉटनिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट वाइट, ठीक है, तो रॉबर्ट वाइट ने आपका डिस्कवर किया था। ठीक है, और आपका 1986 में इसे नेशनल पार्क, सॉरी 1985 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। उसी साल आपका, ठीक है, चमोली के वैली ऑफ फ्लावर्स को भी नेशनल पार्क घोषित किया गया था। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट थिंग इज विच इज द, या फिर व्हाट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर, सोमदत्त शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है पृथ्वी पर? तो वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो। तो अफ्रीका इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, वाइल कोल्डेस्ट की अगर बात करी जाए, ठीक है, वो आपका कौन सा है? दैट इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज द डेजर्ट, ठीक है, सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट भी है, बट अगर एंटार्क्टिका ऑप्शन में नहीं हो तो आप लगाएंगे क्या? ग्रीनलैंड। ठीक है, और भारत का पूछा जाए तो लद्दाख। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। विच इंडियन स्टेट बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना रेस्पेक्टिवली थ्रू द नॉर्थ? तो नॉर्थ की तरफ आपकी बॉर्डर करती है, ठीक है, और ये कंट्रीज है आपकी नेपाल, भूटान और चाइना। ये कौन सा इंडियन स्टेट है? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है या वेस्ट बंगाल? ठीक है, तो देखो मेघालय, अरुणाचल, ये सब किस साइड में? ईस्ट की तरफ है, ठीक है। वेस्ट बंगाल आपका किस तरफ है? साउथ की तरफ है। कौन सा पड़ेगा आपका नॉर्थ की तरफ? ठीक है, सिक्किम। तो सी विल बी द राइट आंसर, सी आपका इसका सही जवाब है। ठीक है, तो आपका क्या बोलते हैं, सिक्किम, आए हो गया फिर से, जाने क्या ओबीएस में प्रॉब्लम आ गई, फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ता। एक मिनट रुकना। सर आपके पास कौन सी ईयर सीटेट दिया, मतलब क्या पूछ रही हो बेटा, समझ में नहीं आया मेरे को।
आपके पास कौन सा मतलब क्या? चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, किस ईयर का पेपर है ये? किसी ईयर का पेपर नहीं है ये, मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो सिक्किम विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, हाय हाय क्या हो रहा है ये? बहुत बढ़िया सर, वॉइस थोड़ा देख लीजिए, वॉइस में क्या हो गया? एक मिनट देना, वो भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई। हेलो, अब आ रही है? सही, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सिरहंद कैनाल पंजाब की, यमुना कैनाल दिल्ली की, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान की, ईस्ट कोसी कैनाल बिहार की। तो भारत की सबसे लंबी कैनाल कौन सी है? तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, भारत की सबसे लंबी कैनाल कौन सी है? दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान, तो सबसे लंबी कैनाल है आपकी भारत की इंदिरा गांधी, दैट इज सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपका कहाँ अवस्थित है या कहाँ स्थित है? सीडीआरआई कहाँ है? CDRI। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात। ठीक है, तो CDRI आपका कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो CDRI इज लोकेटेड इन लखनऊ। CDRI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन सी सन में आपका CDRI स्थापित किया गया था? अगर कोई ये पूछ ले कि CDRI किस सन में स्थापित किया गया था, तो क्या बताएंगे? एटीन एट्टी फोर। बहुत ज्यादा दूर नहीं चले गए? चलिए, तो CDRI की स्थापना हुई थी आपकी 1951 में, 1951। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान।
जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान। तो पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से आपके राज्य लगे? अरे वो नालायको, हिमाचल प्रदेश कब से पाकिस्तान की तरफ लगने लगा जो ये लगा रहे? थोड़ा तो लॉजिक लगा लो अपना। ठीक है, चलिए। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, कि आपका बेसिकली कौन कौन से राज्य आपके लगे हुए, दैट इज बी गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। बी विल बी द राइट। अरे ओ नगमा खान बेटा, हरियाणा कब से पाकिस्तान के पास लगने लगा? पंजाब आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है, ठीक है, जम्मू आता है, हिमाचल नहीं है, हिमाचल इस साइड में, ठीक है, हरियाणा इस तरफ में नीचे में, ठीक है, दिल्ली इस तरफ में, हरियाणा लगता तो दिल्ली नहीं लग जाता? सी भी हो सकता है सर, नहीं, जम्मू कश्मीर लगता है, हरियाणा नहीं लगता, राजस्थान लगता, पंजाब लगता है। चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? हमारे इंडिया, ठीक है, नौ अलग अलग राज्यों से, स्टेट से आपका कोस्ट लाइन बनाता है, मतलब तटीय रेखा बनाता है। इनमें से, ठीक है, एक ऐसा राज्य जो कि सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी तटीय रेखा बनाता है। तो सबसे बड़ी वाला बताइए, उसके बाद सबसे छोटी वाला बताइए। तो सबसे बड़ी किससे? तो वेरी गुड, सबसे बड़ी तो है गुजरात से। सबसे छोटी किससे? सबसे छोटी किससे? सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, वेरी गुड, गोवा। और कौन सी कंट्री की, कौन सी देश की, किस देश की सबसे बड़ी तटीय रेखा है? विच स्टेट हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन से देश की सबसे बड़ी तटीय रेखा है? अब देश की बात हो रही है, वेरी गुड, गोवा से 132 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अफ्रीका, बांग्लादेश। अरे भैया तथास्तु, ऑनलाइन क्लासेस, जमीनी रेखा नहीं पूछ रहे, तटीय रेखा पूछ रहे। विच कंट्री हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ी तटीय रेखा आपकी किसकी है? कनाडा की। कनाडा, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन में नंबर वन पे आता है कौन? कनाडा। कनाडा के बाद आता है यूएसए, फिर आपका रशिया, फिर चिली, नॉर्वे, देन ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, आठवें नंबर पे आता है आपका इंडिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल हाईवे नंबर 22, नेशनल हाईवे नंबर 11, नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 1। पंजाबी कनाडा ही जाते, हाँ, पंजाब, आधा पंजाब कनाडा में बसा। शाम वाली क्लास में भी एनसीईआरटी कराओगे या सिर्फ दोपहर वाली में? बेटा एक क्लास में चलेगी, सुबह वाली में चलेगी, तुम्हें शाम वाली में भी पढ़ना है। क्योंकि शाम वाली में आधे से ज्यादा बच्चे सुबह के होते हैं। वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, ठीक है, एक, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर फर्स्ट, ये आपका कहलाता है क्या? शेरशाह सूरी मार्ग। कहां से कहां जाता है? कहां से कहां जाता है, मतलब कौन से राज्य में जाता है, कहां से जाता है? कहां से कहां जाता है ये नहीं पता सर। वेरी गुड, दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, इसी को आप ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हो। जे एंड के से? नहीं बेटा, जे एंड के कहां पहुंचा? कोलकाता से दिल्ली। बाप रे बाप, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हो क्या तुम?
मिकिर हिल्स कौन से राज्य में, मेघालय में, असम में, सिक्किम में या फिर झारखंड में? मिकिर हिल्स, मिकिर मिकिर पहाड़िया कहाँ है? जीटी रोड, वेरी गुड। मिकिर हिल कहाँ है? पेशावर टू पाकिस्तान, बाप रे बाप, पाकिस्तान में घुसेड़ दिया फिर। राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो जाएगा? चलिए, तो मिकिर हिल्स कहाँ है आपकी? ठीक है, देखिए कुछ पहाड़ियाँ याद कर लीजिए। मिकिर हिल्स आपकी कहाँ पे है? दैट इज असम में। ठीक है, फिर खासी गारो याद कर लीजिएगा। खासी गारो ये तो आपको पढ़ता होगा कहाँ पे है। ठीक है, अन्नामुड़ी याद कर लीजिएगा, अन्नामुड़ी। ठीक है, और नीलगिरी और डोडे बट्टा, डोडे बट्टा और श्रीशैलम। ठीक है, तो खासी गारो कहाँ है? खासी गारो कहाँ है? खासी गारो, खासी गारो। ठीक है, खासी गारो कहाँ है? खासी गारो, खासी गारो जयंतिया, वेरी गुड। असम में? अरे मेघालय में। अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी आपकी कहाँ है? केरल में। नीलगिरी मेनली तमिलनाडु में, बट कुछ पार्ट कर्नाटक और आपका क्या बोलते हैं केरल में भी आता है। ठीक है, देन आपका डोडे बेट्टा, डोडे बेट्टा कहाँ है? तमिलनाडु में। श्रीशलम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ पहाड़ियां हैं इंपॉर्टेंट जिन्हें आपको याद कर लीजिए। मेघालय में, हाँ मेघालय में, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आपके 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा पादप हार्मोन, ठीक है, प्लांट की लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? चलिए, वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, कोई नहीं। ठीक है, यहां पे अगर ऑप्शन देता तो या तो आई ए ए देता, या आई बी ए देता, या फिर एन ए देता, या फिर क्या बोलते हैं 2,4-D देता, या फिर 2,4,5-T देता। ठीक है, इन्हीं सभी को मिला के आप बोलते हो ऑक्सिन हार्मोन। ये सारे के सारे आपके क्या है? ऑक्सिन हार्मोन, और ऑक्सिन हार्मोन आपके प्लांट की लंबाई बढ़ाते। ठीक है, काइनेटिन ये कोशिका विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। ठीक है, एबीए ये आपका सेनेसेंस, बुढ़ापा लाता है, बुढ़ापा। ठीक है, और GA3 ये आपका बेसिकली जेनेटिक ड्वार्फिज्म को, अनुवांशिक बौनापन को रिमूव करता है। ठीक है, तो आनुवांशिक बौनापन हटाता, आनुवांशिक बौनापन हटाता। चल, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, पौधे की ग्रोथ किसके द्वारा मापी जाती है? पौधे की ग्रोथ किसके द्वारा मापी जाती है? ऑक्सेनोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, दोनों, या फिर बेरोमीटर द्वारा? सर शिफ्टिंग हो रही है इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे, कोई बात। तो पौधे की ग्रोथ मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपके ऑक्सेनोमीटर, भी पौधे की ग्रोथ देखता है, और क्रेस्कोग्राफ भी आपका, ठीक है, पौधे की ग्रोथ देखता है। ठीक है, ये दोनों ही आपका पौधे की ग्रोथ देखने के लिए है, जिसमें क्रेस्कोग्राफ आपका जगदीश चंद्र बोस ने, जेसी बोस ने डिस्कवर किया था, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं ने आपका आइंस्टीन के साथ मिलके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, जिसे आप गॉड पार्टिकल बोलते हैं, भगवान के कण जिससे यूनिवर्स बना हुआ, इसकी थ्योरी भी दी थी।
ठीक है, तो हिग्स बोसोन पार्टिकल दोनों है एनसीईआरटी में। हाँ दोनों है एनसीईआरटी में। चलिए, द न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, नीलगिरी, नंदा देवी, अगस्त मलाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, नीलगिरी, नंदा देवी, अगस्त मलाई, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है देखिए, पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका 1985 में आया था नीलगिरी, न्यूएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपका 2013 में आया था, वो आया था कौन सा, पन्ना, और पन्ना आपके भारत का 18th बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो आखिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका बना था वो बना था कौन सा, पन्ना, क्योंकि आपका ऑप्शन में है नहीं, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज खैरा रोग, ठीक है, खैरा रोग चावल का किसकी कमी से होता, ये बेसिकली यूपी टेट का क्वेश्चन है, बट डिजीज रिलेटेड आपको भी क्रॉप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो खैरा रोग चावल का यूपी टेट की ईवीएस में पूछा गया था पेपर में, ठीक है, खैरा रोग चावल का किस चीज की कमी से हो, जिंक से, बोरोन से, मैग्नीशियम से, या फिर कैल्शियम की कमी से। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, तो चावल का खैरा रोग किसकी वजह से होता है, जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, ठीक है, तो जब ना मिलता जस्ता, चावल का भर जाता क्या, बस्ता हो जाता है उसे क्या, खैरा रोग, ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज, सॉरी, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा। देखिए वर्ल्ड लेवल पे कॉफी की अगर हम बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सबसे ज्यादा आपकी कॉफी आती है, ठीक है, भारत में बेसिकली कॉफी का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा। सर जी क्लियर क्यों नहीं है, क्या क्लियर नहीं है बेटा, और कितना साफ दिखा दूं, अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ। तो वेरी गुड, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी आती है आपकी, जहां पे लोग करते नाटक, इसलिए पड़ गया नाम क्या, कर नाटक, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, इनमें से कौन से पौधे की, ये आज सुबह भी करवाया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था ये, कौन से पौधा आपका शहतूत के पालन में नहीं यूज किया जाता। तो कौन सा पौधा शहतूत के पालन में नहीं यूज किया जाता। अरे सपना मिश्रा क्वेश्चन तो पढ़ ले बेटा ध्यान से। तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सागौन का पौधा नहीं यूज किया जाता, बाकी शहतूत, कैस्टर, ओक, सोम, टर्मिनेलिया, ये सारे पौधे आपके शहतूत के पालन में यूज किए जाते। सर जी नमस्ते नमस्ते। चलो, इनमें से कौन सा एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, या सौर ऊर्जा। तो कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, अक्षय मतलब जो खत्म नहीं हो सकता। तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सोलर एनर्जी आपकी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, जब तक आपका हाइड्रोजन वगैरह है तब तक आपका सोलर एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट थिंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ आइरेना इज सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, अबूधाबी। 13 वाला एक बार और बता, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, खस्ता, ओ सॉरी, खैरा रोग जब आपकी बेसिकली जिंक, जस्ता की कमी हो जाए तो आपकी जो लीव्स रहती है इसकी चावल की, वो ब्राउन ब्राउन सी पड़ने लगती है, और चावल की बलिया, ठीक है, क्या होने लगती है, मुरझाने लगती, इसी को बोलते खैरा रोग। सर आज मोस्टली सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग क्लासेस क्यों आई है, क्योंकि आज टीचर सुबह चले होंगे, आए होंगे, शाम में पहुंचे होंगे, थक गए होंगे, सो गए होंगे। चलो, तो आइरेना का मुख्यालय कहाँ है, सुबह हुई थी क्लास, हाँ देख रही तुम लोग, इतने सारे तो शॉर्ट बना के डाली थी मैडम,
गुरुग्राम या अबू धाबी, यही तो पता करना है। रोहतक, रोहतक कहाँ? अच्छा रोहतक है ऑप्शन। चलिए वेरी गुड। तो आयरेना का मुख्यालय जो है वो आपका अबू धाबी में। आयरेना क्या है? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय एजेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? आयरेना का अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय एजेंसी। वहीं अगर आपसे आईएसए पूछा जाता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ, तो उसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। आप गुरुग्राम बताए थे। अरे तो हम तो बोल रहे हैं ना तेजस्विनी, रात में हम सोते टाइम पहले तुमको फोन करते हैं, फिर अगले दिन की क्लास के सारे क्वेश्चन बताते और उसके आंसर बताते कि इसका ये लगाना उसका वो लगाना। चलो, ऑक्सीजन का ओवल्यूशन टेक्स प्लेस इन विच कलर ऑफ लाइट? तो किस रंग में ऑक्सीजन निकलती है? ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, ब्लू येलो। तो वेरी गुड। तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण आपकी लाल और नीले रंग में चलती है, जिसमें लाल में आपकी मैक्सिमम होती है सर्वाधिक, ठीक है, और नीले में आपकी मिनिमम होती है, कम होती है, ठीक है। बट इन्हीं दोनों लाइट को अगर मिला दिया जाए और व्हाइट लाइट डाली जाए, व्हाइट क्या होता है? सभी लाइटों का मिक्सचर। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण व्हाइट में देखने को मिलती है और सबसे ज्यादा व्हाइट लाइट में ऑक्सीजन। सर आप नहीं गए सर पटना, हम जाते पटना तो हो जाती घटना। चलो, आर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश्ड बाय, ठीक है, हमारा साझा भविष्य, हमारा आम भविष्य या फिर साझा भविष्य, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? हमारा साझा भविष्य किसके द्वारा प्रकाशित करी गई थी? तो वेरी गुड सार्थक, बहुत बढ़िया, WCED। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1989 में एक रिपोर्ट तैयार करी थी, ब्रटलैंड रिपोर्ट। ब्रटलैंड एक औरत का नाम है जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी। इसी का टाइटल था, शीर्षक था, हमारा साझा भविष्य, आर कॉमन फ्यूचर। और ये रिपोर्ट क्यों फेमस हुई थी? क्योंकि इसी में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आई थी, सतत विकास की परिभाषा आई थी। और इस बार आपकी सतत विकास पे कई सारे क्वेश्चन आए, ठीक है, इस बार आपके ईवीएस की टॉपिक से। क्लास कब से स्टार्ट होगी? 20 तारीख से बेटा, अरविंद दुबे, 20 से लेके 20 तक अपन 20-20 मैच खेलेंगे, और क्लासेस लंबी होगी, ठीक है, 2 घंटे की हुआ करेगी सुबह। ठीक है, क्लियर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी। UNFCCC भी एक्सप्लेन कर दीजिए, हर बार गलत होता है। एक दिन चार लोग रियो में मिले, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED भी बोलते हैं। उन चार लोगों ने चार चीजों पे बात करी। एक ने बोला एजेंडा 21 क्या है, बोला सतत विकास पे। एक ने बोला CBD क्या है, बोला जैव विविधता के लिए। एक ने बोला UNFCCC क्या है, बोला जलवायु परिवर्तन के लिए। एक ने बोला UNCCD क्या है, बोला मरुस्थलीकरण रोकने के लिए। तो चार लोगों ने हस्ताक्षर किए चार चीजों पे, सतत विकास, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन
और मरुस्थलीकरण रोकना, उसी को आप बोलते हो आपकी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्लियर है? ईवीएस नोट्स कैसे बनाए भाई? राजदीप श्रीवास्तव यूपीएससी एस्पायरेंट कौन से लेवल के, पहले ये डिसाइड करो कौन सा लेवल। आप यूपीएससी के लिए बनाना चाह रहे हैं, आप सीटेट के लिए बनाना चाह रहे हैं, पहले लेवल अपना डिसाइड करो फिर बताओ आगे। इफ द वैल्यू ऑफ बीओडी इज हाई देन, देखो WHO द्वारा जो प्रमाणित मानक माना गया है वो बना माना गया है 1 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए WHO द्वारा। अगर सपोज करो आपने किसी पानी के अंदर बीओडी मीटर डाला या बीओडी टेस्ट लगाया और रीडिंग आ रही है आपकी 8, 12, 14, 7, तो इससे आप क्या इन्फ्रेंस निकाल, पृथ्वी शिखर को ही रियो बोलते, पृथ्वी शिखर को ही आपका UNCED बोलते। फर्स्ट टू फिफ्थ यूपी टेट के लिए ईवीएस, पहली चीज यूपी टेट का ईवीएस फर्स्ट टू फिफ्थ से नहीं आता। यूपी टेट और एच टेट का ईवीएस टोटली अलग है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो कहीं से भी पूछते हैं, दोनों के दोनों गांजा पी के पेपर बनाते, कहीं से भी पूछते। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो मैं आपको बता दूंगा अभी। चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, कि पानी पीने योग्य नहीं है, ठीक है, अगर आपका 1 to 2 मिलीग्राम प्रति लीटर है, ये स्टैंडर्ड है, ये मानक है, और इससे ज्यादा रीडिंग आ रही है तो आपका पानी पीने लायक नहीं है। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। नेक्स्ट थिंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आपकी अर्थ क्रस्ट में मतलब आपकी भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा? सर सब सिलेबस पे मैराथन कब होगी? बस चालू होने वाली है, टेंशन मत। अभी नहीं आया यूपीटेट। चल सर कमेंट क्यों डिलीट हो रहा है? अभी ये मेरे को क्या पता कमेंट तुम्हारा क्यों डिलीट हो रहा है। वेरी गुड कात्यानी ठाकुर, सवास सवास उमा शुक्ला। चलो आपसे पूछा है अर्थ क्रस्ट में भूपर्पटी में, ठीक है, अबंडेंस में एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व। अब ये तत्व आपका धातु भी हो सकता है, ये अधातु भी हो सकता है, और ये उपधातु भी हो सकता है। ठीक है, तो जब बात करी जाए, ठीक है, तत्व की, तब हमें आंसर लगाना है ऑक्सीजन, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट आपका नाइट्रोजन नहीं है। पेट्रोल पाया कहाँ जाता है, हम मतलब पेट्रोल कहाँ पाया जाता है समझ में नहीं आया। स्टेट पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? साइंस के लिए नोट्स कैसे बनाए जो सीटेट पीजीटी लेवल को करता हो? ठीक है, साइंस कौन सा साइंस आपको बनाना है? सीटेट के लिए तो भाई एनसीईआरटी पढ़ो सबसे अच्छी, 6th 7th 8th को जितना अच्छे से पढ़ सकते हो, वरना जो नाम दिया है कंप्लीट सीटेट के बाद ईवीएस बाय भवानी सर, वो फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, वहां पे मिल जाएंगे तुम्हें साइंस के। क्वेश्चन ही मर गई। अच्छा, तेजस्विनी इसका हम नाइट्रोजन तो नहीं बताए थे, तेजस्विनी नाइट्रोजन तो नहीं बताए। मेटल एल्यूमिनियम, वेरी गुड, कि अगर अर्थ क्रस्ट में पूछा जाए कि मेटल कौन सा सबसे ज्यादा, तो एल्यूमिनियम। बट अगर क्वेश्चन ये होता अर्थ में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा, अब पूरी अर्थ की बात हो गई, क्रस्ट की बात नहीं हुई, तो अर्थ में सबसे ज्यादा आपका देखने को मिलता आयरन, नाइट्रोजन नहीं होगा, नहीं। टेलीग्राम पे कहाँ पीडीएफ भेजे हैं सर, कहीं मिलता ही नहीं बेटा, एक लिंक दी है उसी लिंक के अंदर सारे पीडीएफ, फिर से आज पोस्ट कर दूं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूटी इज द लीस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू इंडिया 2011 सेंसस। सर ई क्लास साइंस स्टूडेंट की है, नहीं नेपाल चंदन, ई क्लास हमारी
उसकी है ईवीएस। नॉन मेटल भी बता दो बेटा, ऑक्सीजन ही नॉन मेटल है। हाँ जी शिखा जी, इस टाइम रोज होती। तो वेरी गुड, इस बार आपके 2023 में इंडियन सेंसस के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो हो सकता है मैं अलग से एमसीक्यू बेस्ड क्लास, ठीक है, इंडियन सेंसस के ऊपर बना, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज द लैटिट्यूड लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सूरज जो रहता है, सूरज की रेखा सीधी गिरती है, परपेंडिकुलर, लंबवत गिरती है। पेट्रोल किस किस राज्य में पाया जाता है? अच्छा, पेट्रोल नहीं बोलो, पेट्रोलियम बोला करो। पेट्रोल तो प्रोडक्ट है, पेट्रोल तो हर राज्य में मिलता है। फटपटिया चलानी है कि नहीं चलानी तुम्हें? ठीक है, तो राजस्थान, ठीक है, असम, अरुणाचल, आंध्र, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। चलिए, तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज विच वॉज द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है। 1905 में इसको बनाया गया था, पांच, किसी किताब में दो भी लिखा हुआ है बट ज्यादातर किताब पांच बता दी। 1905 में लगाया गया था, ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर, ठीक है। तो ये कौन सा है? पलिवसल इन केरला, ठीक है, पईकारा इन तमिलनाडु, निजामनगर इन आंध्र प्रदेश, या शिव समुद्रम इन कर्नाटक। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश चित्रादास, शाबाश कात्यानी ठाकुर, शाबाश। चलो, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, अभी तो आंसर भी नहीं बताया है, तमिल तमिलनाडु वाली, आप तमिलनाडु बताए थे सच में, अभी तो मैंने आंसर ही नहीं बताया। सर पूरा दिन क्लास करते, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, वो सुबह क्लास में लगा तो लेते हो टीचरों के साथ। राजस्थान में भी पेट्रोल पाया जाता, अरे ओ नालायक पार्वती देवी, पेट्रोल हर राज्य में पाया जाता है, पेट्रोलियम कुछ जगह पे मिलता है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट उत्पाद होता है पेट्रोल। पेट्रोल तो तुम्हारे जगह जगह मिल रहा है जहां पेट्रोल पंप लगे होंगे। पेट्रोल इज द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल को ही गैसोलीन बोलते हैं, पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है। सर जी मेरा सपना यूपीएससी है, पर हम अभी टीचर बनने के बाद यूपीएससी की तैयारी करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई अगर पूछे पेट्रोल कहाँ मिलता है तो बोल देना पेट्रोल पंप पे मिलता है, बट पेट्रोलियम कहाँ मिलते हैं, ये सारे स्टेट्स जो लिख दिए हैं यही आपके पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जिसमें राजस्थान में मंगला ऑयल फील्ड है, मंगला तेल की क्षेत्र है, जिसमें तेल की खदानें हैं, जिससे सबसे ज्यादा तेल निकलता है। यस, पेट्रोलियम इज अ रॉ मटेरियल एंड पेट्रोल या फिर गैसोलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज सिचुएटेड एट, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी आपका असम के अंदर, आपका उत्तर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट थिंग इज
Among the following state, where is the सांबर लेक लोकेटेड? एंड सांबर लेक इज द मोस्ट क्या बोलते हैं, सलाइन लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ज्यादा लवणीय झील। ठीक है, और एशिया की सबसे ज्यादा लवणीय झील चिल्का, और चिल्का कहाँ? उड़ीसा में। फिर तुम कहोगे कि सर फिर ये कैसे हो गई? तो बेटा ये ऑन लैंड है, ये ऑफशोर है। ऑफशोर मतलब ये समुद्र में जाके मिलती है कि लैंड पे, लेक का मतलब होता है लैंड एरिया। कोयले के बारे में भी बता दीजिए सर, कहाँ कहाँ पाया जाता है, बताते हैं, डट जाओ। ठीक है, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में आपका है सांबर लेक। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जंक्शन है, सॉरी रेलवे स्टेशन हैज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, बताए। बताए जल्दी फुर्ती में। नन, कर्नाटक में है कोई? क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है, पहले आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन हुआ करता था, ठीक है, 1.3 किलोमीटर लंबा हुआ करता था, अब 1.47 समथिंग किलोमीटर लंबा हुबली रेलवे स्टेशन आ गया, हुबली कर्नाटक। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नहीं, मुगल सराय जंक्शन सबसे बड़ा नहीं है, पुराना डाटा मत पढ़ के आया करो हमारी क्लास में। तो डी विल बी द राइट आंसर, कर्नाटक का हुबली रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा। द हाईएस्ट आल्टीट्यूड, ठीक है, 4411 मीटर अबव द सी लेवल इज ऑफ बांगड़ा एयरपोर्ट तिब्बत, ठीक हैथरो एयरपोर्ट यूके, दाउचेंग यादिंग एयरपोर्ट चाइना, काठमांडू एयरपोर्ट नेपाल। हाँ वही सर, आप पटना में नहीं आए? नहीं, हम पटना में नहीं आए। तो वेरी गुड वेरी गुड, वाओ किचन यूएई, अरे तुम यूएई से हो, ठीक है, तुम्हारी तो एक स्टोरी है हमारे यहाँ। कौन सी वाली? यूएई में पेट्रोल ज्यादा महंगा है, दिरहम चलता है। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर, चाइना का दाउचिंग यादिंग एयरपोर्ट आपका सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। ये क्यों याद रखने? क्योंकि आपका चैप्टर है ट्रैवल, और ट्रैवल में आप तुम ट्रेन से भी ट्रैवल करते हो, बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से भी ट्रैवल करते हैं, एयर इंडिया बस यूज करते हैं, विस्तारा विस्तारा यूज करते हैं, कटारा यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जहाज भी यूज करते हैं, इसलिए ये याद रख लेना। चलिए, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट थिंग इज विच ऑयल फील्ड इज नॉट प्रेजेंट इन असम, लखीमपुर, नाहरकटिया, डिब्रूगढ़, मंगला। तो असम में 100 से ज्यादा ऑयल फील्ड है, ठीक है, इनमें से कौन सी ऑयल फील्ड असम में नहीं देखने को मिलती? वेन यू आर कमिंग साउथ सर, इवन आई डोंट नो। आपके दर्शन कब होंगे? कल 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 कल। एक तो किसी जिसका यार हंस रहा है उससे बोल दो हंसना बंद करे, बारिश खत्म कर दे, दिल्ली पूरी डुबा दी, आपका तैर तैर के जाए, हालांकि स्विमिंग तो आती है मेरे को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मंगला से सबसे ज्यादा आपका क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है, और ये मंगला आपका कहाँ पे है? राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में। हाँ थैंक यू उमा शुक्ला, कोई लड़की है जब वो गाती है बारिश होती है चमक चमक छम छम, एक तो यार हंस रहा और एक कोई गा रही है, तो दोनों को चुप करा लो। नेक्स्ट थिंग इज विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, नेचुरल लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोची। आप पटना में क्यों नहीं आए? हमें बेटा और भी काम थे इसलिए नहीं आए।
अगली बार आ जा, काहे परेशान हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन इंडिया, भारत में पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई भी और विशाखापत्तनम? नहीं, नेचुरल एयरपोर्ट्स में सबसे बड़ा आपका जो पहले से ही बना बनाया था वो मुंबई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट कह रहा हूँ, वो सी पोर्ट। आप हमारा सलाम क्यों नहीं ले रहे? अस्सलाम वालेकुम अफशीन, अफशीन चौधरी ले लिया। और कुछ? चलिए, तो भारत का सबसे पहला सोलर पावर एयरपोर्ट जो है वो आपका कहाँ पे? कोच्चि में। डी विल बी द राइट आंसर। वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? 1902 में स्थापना हुई थी IFRI की, बहुत ही पहुंचा हुआ माना हुआ, ठीक है। मैं ही गाती हूँ सर, डेली रियाज करती हूँ सुबह सुबह। क्या बात, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम लेते, इतना नहीं पता आप सीन। चलिए, वेरी गुड। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, कहाँ लोकेटेड है? देहरादून, लखनऊ। अरे वो CDRI था भाई, IFRI नहीं है। CDRI लखनऊ भेज दिया, वो शुरुआत में ही क्वेश्चन कर लिया। IFRI भी अब वहीं घुसेड़ दो, देहरादून में, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। द स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा जो ओर मिलता है, ठीक है, जो अयस्क मिलता है, ठीक है, वो मिलता है आपका कौन सा? बॉक्साइट। बाकी और भी है, फेल्सपार भी है, क्वार्टजाइट भी है, ठीक है, बट भारत में सबसे ज्यादा जो ओर मिलता है एल्यूमिनियम का वो है बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी उड़ीसा, ठीक है। सुरती इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल, ठीक है, बहुत फेमस एनिमल है सुरती, ठीक है। ये आपका बेसिकली बड़ोदरा गुजरात की साइड पानी में देखने को मिलता है, वाटर ब्रीड है ये, ठीक है। तो सुरती काय की ब्रीड है सुरती। वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बफेलो, ठीक है। तो वाटर बफेलो का नाम है, पानी के भैंसे का नाम है सुरती, जो कि आपका बड़ोदरा गुजरात की साइड देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास, विच ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ देम, ठीक है, चोकला, पश्मीना, ठीक है, मेरिनो, अंगोरा। मतलब क्वेश्चन है, विच ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ देम, नहीं वूल, ऊन, सबसे अच्छी गुणवत्ता का ऊन प्रदान करती है, ठीक है। चोकला, पश्मीना, मेरिनो, अंगोरा। वेरी गुड वेरी 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 गुड सार्थक, बहुत बढ़िया सार्थक। और एक और थी मरुफली, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना। शकुंतला सिंह, वेरी गुड, ठीक है। कुमार बेजन, वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी मरीनो, ठीक है, क्योंकि बोला गया भेड़, पश्मीना बकरिया से मिलती है, बकरी और भेड़ में अंतर होता है। बी लगाने वालों नाच, जूही अस्थाना, वेरी गुड। पश्मीना का होगा, अच्छा, पश्मीना भेड़ है, भेड़ से मिलती है पश्मीना। ये देखो, एक काम करो, उमा शुक्ला और कोई तो सुनो मेरी, जो भी हो तुम दोनों, उमा को तो हम जानते हैं, कोई तो सुनो मेरी, तुम्हारा जो भी नाम है, ये भी पूछ लेना कल आके कि वो
हिलोरे बिना चटनी कैसे बनी, और बहन तुमने वो कैसे बनाया, पकोड़ा कैसे बनाया, सर्दी वो मैं क्या बनाती हो। पर भेड़ से भी ऊन मिलता है सर। हाँ अरे वो काकी, भेड़ से भी नहीं, भेड़ से ठीक है, बकरी से, याक से, ऊंट से, कुविट से, अल्पाका से, चीरू से, लामा से, इतनी सारी जगह से ऊन मिलता है। मैं बात करती हूँ सर, ये सब जबरदस्ती बतियाते हैं मुझसे, तो क्यों बतिया रही हो? हमने नाटक नहीं देखा, आज ये देखूंगी, 4 साल बाद वो आ रहा है, फाल फलाना ढिंका। ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है? तो याद रखना, मैरिनो भेड़ सबसे बढ़िया ऊन देती है भेड़ों में, ठीक है? बाकी दुनिया में सबसे अच्छा ऊन जो रहता है वो इसका, कुविट का। सर फेस दिखा दूँ, कल देख लेना भाई, हमारी फोटो खींच के रख दिया करो ना, वॉलपेपर बना लो उसे, ना भूत आएंगे ना प्रेत आएंगे, फोटो भी देखते रहे। ये देखो तुम्हारा नेम कैसे चेंज हो रहा है, कभी छोटा कभी बड़ा। चलो अच्छा, हाँ एक चीज और, रैबिट से, खरगोश से भी, अंगोरा रैबिट्स होते हैं, अंगोरा गोट भी होती है, अंगोरा रैबिट्स भी होते हैं। सर पश्मीना का क्या मैटर रहता? बेटा भारत में सबसे अच्छा, भारत में सबसे अच्छा ऊन पश्मीना होता है, विश्व में नहीं, विश्व में तो मरीनो पश्मीना से ज्यादा अच्छा है, अंगोरा पश्मीना से ज्यादा अच्छा है, सबसे बढ़िया तो कोविट है। पश्मीना बकरी है, कश्मीरी गोट। लामा क्या होता है? पूजा सिंह गाना नहीं सुनी हो, लामा लामा घूंघट काहे डाला, लामा लामा घूंघट काहे तू डाला रे, सुनियो। तो लामा का मतलब होता है लंबा, ठीक है? अगर तुम भेड़ की गर्दन को पकड़ के खींच दो और गर्दन लंबी कर दो और दो दांत बाहर निकाल दो, अब्बा हमारे थे वालिद हारमोनियम बजाते थे, उस जैसा दिखता लामा तिब्बत में मिलता। सो प्लीज हेल्प मी, सीटेट और बीपीएससी दोनों की तैयारी करें, कैसे करें? ठीक है बेटा, पहले सीटेट की कर लो, पहले सीटेट है, उसके बाद बीपीएससी की मैं 4-5 क्लास दे दूंगा, वो पढ़ लेना, ठीक है? चलो तो टिल देन कल मिलते हैं, ठीक है? हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।